नमस्कार, कुक चित और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम पालक चना दाल का सब्जी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, पनीर जैसा टेस्टी पालक और चना दाल का सब्जी आप जरूर बनाएगा, बच्चे से लेके बड़े सबको बेहद पसंद आएगा। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और इस सब्जी को आप रोटी, नान, पराठा, चावल के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाक से आज की रेसिपी की शुरुआत करेंगे। दोस्तों प्लीज़, आप मेरे वीडियो में न्यू आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को दबा दीजिए और ऑल के ऊपर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। तो चलो दोस्तों, फटाक से करेंगे रेसिपी की शुरुआत। चना दाल पालक सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए तो एक चम्मच ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल। दोस्तों आप कौन सा भी ऑयल ऐड कर सकते हो। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा थोड़ा सा पक जाए तो ऐड करेंगे पालक। दोस्तों यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पालक को अच्छे से कट करके वॉश कर लिया है 3 से 4 पानी से। पालक को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। दोस्तों पालक को ढक्कन लगा के बिल्कुल भी नहीं पकाना है, नहीं तो काला हो जाता है। तीन से चार मिनट में पालक अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट के अंदर। पालक को ठंडा करने के लिए फैन के नीचे रख देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चना दाल को पानी के अंदर भिगो के 2 घंटे पहले रख दिया था। बाद में इसका एक्स्ट्रा पानी हटा के एक भगोने के अंदर चना दाल को ऐड कर लिया और 2 ग्लास पानी ऐड करके थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको पकाने के लिए रख दिया है। चना दाल अच्छे से पक चुका है तो इसको हम चेक कर लेंगे हाथ की सहायता से। दोस्तों चना दाल को साबुत रखना है, इसीलिए हमने इसको कुकर के अंदर नहीं पकाया है, ऐसे ही भगोने के अंदर या कढ़ाई के अंदर पका लीजिएगा। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को ऑन करके वापस कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो ऐड करेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप कौन सा भी ऑयल ऐड कर सकते हो। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब ऐड करेंगे आधा चम्मच सरसों। सरसों अच्छे से पक चुका है, अब ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। चुटकी भर के ऐड करेंगे हींग। यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े प्याज। प्याज को ऊपर का छिलका हटा के बारीक चॉप कर लिया था। दोस्तों आप प्याज की मात्रा कम ज़्यादा ले सकते हो, आपको अगर प्याज कम खाना है तो आप कम भी ऐड कर सकते हो। प्याज को हमें थोड़ा सा सुनहरा हो जाए तब तक पका लेना है। अब ऐड कर लेंगे मसाला। मसाले में मैंने लिया था 2 बड़े टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन कली और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सबको मिक्स करके मैंने मिक्सर जार के अंदर पीस लिया था। अब हमें मसालों को ऑयल छूटने तक पका लेना है। दोस्तों ग्रेवी मसाला अच्छे से पक चुका है, देखिए ऑयल भी छूटने लगा है। अब ऐड करेंगे पालक। पालक को यहाँ पर मैंने पीस लिया था, दरदरा पीस लेना है पालक को। पालक को पीसते टाइम बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि पालक के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। पालक मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब ऐड करेंगे ड्राई मसाला। सबसे पहले ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। 2 चम्मच ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। दोस्तों आप अगर पालक चना दाल को ओनली ग्रीन चिली में बनाना चाहते हो तो रेड चिली ना ऐड कीजिए। पालक और मसाला अच्छे से पक चुका था, अब ऐड करेंगे चना दाल। चना दाल को पालक और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट पका लेंगे। दोस्तों चना दाल पालक अच्छे से पक चुका है, अब ऐड करेंगे पानी।
दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 गिलास पानी को गर्म करके ऐड कर लिया है सब्ज़ी के अंदर। अब हमें इसको 5 से 7 मिनट तक पका लेना है। सब्जी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुकी है। अब ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद सब्जी को ओनली 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। दोस्तों पालक चना दाल सब्जी बनके रेडी हो चुका है। अब ऐड करेंगे डबल तड़का। डबल तड़का के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 लोहे का तवा। तवे को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और इसके अंदर ऐड किया है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप कौन सा भी ऑयल ले सकते हो दोस्तों। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन कली। 3 से 4 लहसुन को मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर लिया है। लहसुन थोड़ा सा सुनहरा हो जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 रेड चिली। रेड चिली को मैंने कट करके ऐड कर लिया है। बस थोड़ा सा रेड चिली को पका लेंगे। चना दाल पालक का डबल तड़का रेडी हो चुका है। अब ऐड करेंगे सब्जी के ऊपर। तड़का को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो तड़का ऐड करने के बाद 1 मिनट और पका लीजिएगा सब्जी को। अब हमें सब्जी को ट्रांसफ़र करना है दूसरी कढ़ाई के अंदर। स्वाद से भरपूर हेल्दी और टेस्टी डबल तड़का पालक चना दाल सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। दोस्तों आप ज़रूर इस तरीके से सब्जी को बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।